आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,373 मामले हो गए हैं, वहीं 46 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3,373, स्वस्थ 2,735, एक्टिव 592, मौतें 46। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। देहरादून 816, नैनीताल 564, टिहरी गढ़वाल 427, हरिद्वार 344, उधम सिंह नगर 402, पौड़ी गढ़वाल 160, अल्मोड़ा 198, बागेश्वर 93, चमोली 76, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 92, चंपावत 65। नैनीताल बनेगा कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन लोगों की होगी सख्त निगरानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम क्वारंटीन किए गए लोगों की नियमित निगरानी करने और कोविड 19 के खिलाफ किसी भी सूरत में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नैनीताल में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। शनिवार को सचिवालय में कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए। होम क्वारंटीन एवं पर्यटन स्थलों पर सतत निगरानी के लिए PRD, होमगार्ड एवं अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हाई रिस्क मामलों एवं आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित निगरानी रखी जाए। सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, इस शहर में 13 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर 11 जुलाई से 13 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। दरअसल काशीपुर में कल ही 32 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित मिले। ये बात तो आपको पता ही होगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 11 जुलाई से 13 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। दरअसल काशीपुर में कल ही 32 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने 11 जुलाई सुबह 10 बजे से 13 जुलाई रात के 12 बजे तक बाजार बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस दौरान मेडिकल सुविधाएं, अस्पताल, दुग्ध पदार्थों की दुकानें खुली रहेंगी। आदमखोर गुलदार ने महिला को बनाया निवाला। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह जंगल में घास लेने गई एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, 13 अपराधियों की खोली कुंडली। पिथौरागढ़ पुलिस आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। पुलिस ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 29 व्यक्तियों के खिलाफ CRPC की धारा 110G के तहत चलानी रिपोर्ट भेजी है, जबकि 13 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की अच्छी पहल, मेरा गाँव हरा भरा गाँव अभियान। हरेला पर्व के सुनहरे अवसर पर शिक्षा, संस्कृति एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए 6 जुलाई से 16 जुलाई 2020 तक चलने वाले मेरा गांव हरा भरा गांव शानदार अभियान की शुरुआत की है। उत्तरकाशी के 2 पुलिसकर्मी होंगे राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित, ऐसे बचाई थी DM SP की जान। उत्तरकाशी पुलिस सहित पूरे उत्तराखंड पुलिस विभाग के लिए गर्व भरी खबर है। जी हां, उत्तरकाशी के 2 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2019 से सम्मानित होंगे। इन 2 पुलिसकर्मियों में 1 दरोगा और 1 चालक आरक्षी शामिल हैं। उत्तरकाशी SP पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर से जानकारी मिली है कि धरासू थाना SI विनोद थपलियाल और बड़कोट थाना आरक्षी चालक ममलेश सिंह को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए मिलेगा पुरस्कार, ये है पूरा मामला। जानकारी मिली है कि दोनों पुलिसकर्मियों को ये सम्मान साल 2018 में यमुनोत्री हाईवे पर हुए भूस्खलन के दौरान SP और DM को जान बचाने के लिए दिया जा रहा है। जानकारी मिली है कि 17 जुलाई 2018 को DM डॉक्टर आशीष चौहान सहित तात्कालिक SP ददन पाल
वाहन से यमुनोत्री धारा का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही डीएम और एसपी का वाहन डाबर कोट के पास पहुंचा, तभी अचानक सियाना चट्टी के समीप डाबर कोट में डीएम और एसपी का वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गया। उच्च अधिकारियों की गाड़ी को स्कॉट कर रहे तत्कालिक थानाध्यक्ष एसआई विनोद थपलियाल और चालक आरक्षी ममरेश सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी और डीएम को सुरक्षित भूस्खलन क्षेत्र से बाहर निकाला था, जिसमें एसपी ददन पाल को चोटें भी आई थी। साथ ही एसआई और आरक्षी चालक को भी चोटें आई थी। वहीं डीएम और एसपी की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले दरोगा और चालक आरक्षी को राष्ट्रपति सम्मान करेंगे, जो कि उत्तरकाशी पुलिस समेत पूरे पुलिस विभाग के लिए गर्व का पल होगा। वहीं प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी जन जागरूकता अभियान। इस अभियान के तहत प्रवासियों को कृषि से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही कुटीर लघु उद्योगों से जोड़ने के लिए सरकारी योजनाओं के जरिए प्रवासियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। भूस्खलन जोन बना, पीडब्ल्यूडी के लिए सिरदर्द, सड़क मंत्रालय को भेजा ट्रीटमेंट प्लान। बरसात के सीजन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण श्रीनगर से लेकर धारी चौकी के बीच फरासो हनुमान मंदिर सहित चमधार में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जहां बरसात में घंटों यातायात बाधित रहता है, जो लोक निर्माण विभाग के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। सगाई शादी में शामिल हुए 14 लोग कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। 29 जून को हुए शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शरीक हुए थे, लेकिन असली दिक्कतें समारोह के बाद शुरू हुई। समारोह में आए 14 मेहमान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हो रहे शादी समारोह अब महंगे साबित हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में सगाई और शादी में शामिल 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद शादी में शामिल हुए लोगों में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मामला काशीपुर का है, जहाँ 29 जून को एक होटल में सगाई का कार्यक्रम हुआ था। वहीं शादी की रस्में रुद्रपुर के एक होटल में निभाई गई। समारोह में 100 से ज्यादा लोग शरीक हुए थे। सगाई और शादी में किसी तरह निपट गई, लेकिन असली दिक्कतें समारोह के बाद शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक समारोह में दिल्ली से आए एक युवक भी मौजूद था। गुरुवार को इस लड़के की तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग ने युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा, तो पता चला कि युवक कोरोना पॉजिटिव है। भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति, गांव-गांव तक पहुंचेगा लाभ, सीएम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पीसी कर भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी दी। सीएम ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत राज्य के 2 हजार करोड़ की स्वीकृति हुई है। हरिद्वार को छोड़कर शेष जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट से भारत के में संचार क्रांति आएगी। इस योजना से देश के 2.5 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड में बीएसएनएल और अन्य संचार माध्यमों से जोड़ा जाएगा। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 1865 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा और साथ ही राज्य में ITDA विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 5,991 ग्राम पंचायतों तक योजना को पहुँचाया जाएगा। आगे सीएम ने कहा कि सचिवालय के अंदर 16 विभाग ई ऑफिस बनाए जा चुके हैं। इस संचार क्रांति से राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही राज्य के 104 महाविद्यालयों को ई ग्रंथालय से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत गैरसैंण, विधानसभा और राज्य के 8,350 CHC को भी इससे जोड़ा गया है। विश्व अध्यक्ष ने किया मैंगो पार्टी का आयोजन, कहा सभी की जिंदगी में घुली रहे मिठास। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने मैंगो पार्टी के मौके पर कहा, वे लगातार 2 सालों से आम पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रधान संगठन ने दरोगा के खिलाफ दिया धरना, बदतमीजी का लगाया आरोप। जिला प्रधान संगठन रुद्रप्रयाग ने तिलवाड़ा में तैनात दरोगा सीमा चौहान पर प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कपिल राणा व आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। संगठन के सदस्यों ने तिलवाड़ा पुलिस चौकी में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ये लोग दरोगा पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गढ़वाल में मारा गया मासूमों को निवाला बनाने वाला आदमखोर तेंदुआ। मशहूर शिकारी लखपत रावत और पौड़ी जिले से मशहूर शिकारी जॉय हुकील को आदमखोर तेंदुए की पहचान कर शिकार करने की जिम्मेदारी दी गई। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ क्षेत्र में गैरबारम और मलतुरा में मासूमों को अपना शिकार बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार मारा ही गया। 29 मई को मलतुरा मगैटी तोक में 4 वर्षीय नेपाली मूल के मासूम बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था, तो वहीं ठीक एक माह बाद 29 जून को गैरबारम के हरी ढूंढ तोक में 11 वर्षीय बच्ची दृष्टिका को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद ग्रामीणों की मांग पर वन महकमे में
तेंदुए को आदमखोर घोषित करते हुए इसका शिकार करने के आदेश दे दिए। 30 जून को मशहूर शिकारी लखपत रावत और पौड़ी जिले से मशहूर शिकारी जॉय हुकील को आदमखोर तेंदुए की पहचान कर शिकार करने की जानकारी दी गई। लगातार 10 दिनों तक काफी खोजबीन और आदमखोर तेंदुए की पहचान के बाद आखिरकार शिकारी जॉय हुकील ने कल यानी 10 जून की देर साय लगभग 7:15 पर आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। देवीधुरा के बगवाल मेले में इस बार रक्षाबंधन पर नहीं बहेगा खून, रक्तदान कर लोग पेश करेंगे अनूठी नजीर। माँ बाराही धाम देवीधुरा में कोरोना महामारी के चलते लोग बगवाल के रोमांच से वंचित रहेंगे, लेकिन एक ऐसी नजीर के साक्षी जरूर बनेंगे जिसे वह वर्षों तक याद रखेंगे। बगवाल में हिस्सा लेने वाले योद्धा सदियों पुरानी परंपरा को बरकरार रखने के लिए रक्तदान जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ज्यादातर योद्धाओं को मानना है कि रक्तदान से वर्षों पुरानी मान्यता जहां टूटने से बचेगी, वहीं कोविड-19 महामारी अधिनियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। विकास दुबे की पत्नी की धमकी, मेरे पति को मारकर तुम सबने ठीक नहीं किया, अब मैं चलाऊंगी बंदूक, सब मरेंगे। कानपुर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जाते जाते विकास दुबे को माता पिता के आंसू तक नसीब नहीं हुए। दुबे के माता पिता ने बेटे के शव को लेने से इनकार कर दिया, साथ ही ना ही अंतिम संस्कार में गए। पत्नी और नाबालिग बेटे ने विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया। विकास दुबे की पत्नी ने ऋचा ने घाट पर चिल्लाकर कहा कि वो मेरे पति को मार कर तुम सबने ठीक नहीं किया, तुम सबने मिलकर मेरे पति को मार दिया, जरूरत पड़ी तो अब मैं खुद चलाऊंगी बंदूक, पति को जिसने मरवाया है, जिसने मारा है, सब मरेंगे। मीडिया ने उनसे पति विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछा तो ऋचा भड़क गई और उन्हें गाली गलौज की। कानपुर एनकाउंटर, 11 साल पहले सुर्खियों में छाया था देहरादून में हुआ रणबीर एनकाउंटर, 22 गोलियों से छलनी हुआ था शरीर। कानपुर के नामी बदमाश विकास दुबे को कथित मुठभेड़ में मार गिराने की खबर के बाद उत्तराखंड के लोगों के मन में देहरादून में 11 साल पहले हुए रणबीर एनकाउंटर की याद ताजा हो गई। उत्तराखंड पुलिस भले ही एनकाउंटर में विश्वास न करती हो, लेकिन विकास दुबे के मामले में यहां के सेवारत और रिटायर्ड पुलिसकर्मी यूपी पुलिस के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का जवाब दिया तो मुठभेड़ में बदमाश को मार गिराने पर यूपी पुलिस को सलाम करने से भी पीछे नहीं रहे। यह बात अलग है कि 2009 में एनकाउंटर के बाद प्रदेश में ठाए ठाए की सुनाई नहीं दी। उस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रणवीर के शरीर पर चोट के 28 निशान थे, जबकि उसे 22 गोलियां मारी गई थी। यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर समेत सिपाहियों पर कार्रवाई की गई थी। तब से आज तक उत्तराखंड में कोई भी एनकाउंटर नहीं हुआ।